जो मीणा है वो राजस्थान के आमेर और उसके आसपास का जो इलाका है, ये मीणाओं का राज हुआ करता था, ये मीणाओं का यहाँ पर इलाका हुआ करता था। यानी ये आमेर, भांडारेज, नरेठ, शोभनपुर, माची, गेटोर, ये पूरा इलाका है, ये मीणाओं का राज्य का क्षेत्र हुआ करता था। और जब से इस इलाके पर कछवाहों ने अधिकार किया, मीणा कछवाहों के चाकर बन गए। चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा, जमींदार मीणा दो भागों में बटे। हालांकि जब तक कछवाहा वंश का शासन रहा तब तक भी मीणाओं की स्थिति ठीक रही, क्योंकि वो उनकी सेवा में रहे तो वो उनको काम मिलता रहा। पर स्थिति बदली, काल बदला, अब यूरोपियन जातियां आ गई और अंत में अंग्रेजों ने इन सब पर अधिकार प्राप्त किया। सभी राजाओं से संधियां कर ली लगभग। तो जयपुर के भी महाराजा, आप जानते हो कि जगत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। चार्ल्स मेटकाफ एक तरफ साइन करने वाले व्यक्ति, जगत सिंह ने संधि की। तो जगत सिंह ने संधि की, तब से जयपुर के जो शासक हैं वो शासक अपने ऊपर अपने मन से काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके विदेश नीति के ऊपर किसका नियंत्रण हो गया? अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। अब तो अगर उनको युद्ध करना है, संधि करने हैं, इवन किसी भी अड़ोसी पड़ोसी राज्य के साथ वैवाहिक संबंध करना है, तो भी अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। उनकी खुद की सेनाएं कम हो गई, रेवेन्यू का 1/3 से ज़्यादा अंग्रेजों के पास जा रहा है, तो एकदम उनको कमजोर बना दिया। न केवल जयपुर अपितु सभी रियासतों के साथ यही सेम बात थी। ऐसी संधियों को सहायक संधियां कहा गया। क्या कहा गया? सहायक संधियां कहा गया। तो अब चलने लगी अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने मीणाओं को और उनके पदों से बाहर करना शुरू कर दिया। जब पदों से बाहर करना शुरू किया तो कुछ मीणाओं ने अपराध वृत्ति अपनाई तो 1924 में एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नाम का एक एक्ट पारित किया गया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नाम का एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें मीणाओं को अपराधी जाति घोषित किया गया। मीणाओं को अपराधी जाति, जैसे हम अगर फारसी में बोले तो जरायम शब्द है, जरायम पेशा कौम घोषित कर दिया गया। कुछ किताबों में से जयराम लिखा हुआ मिलता है, जयराम, जो सही नहीं है, जरायम शब्द करेक्ट है। तो जरायम का मतलब होता है अपराधी जाति, तो अपराधी जाति से घोषित किया गया। मानी ऐसा नहीं, अपराधी जाति में केवल यही थी, जो भारत स्तर पर लिस्ट बनाई गई उसमें राजस्थान की मीणा जाति को इसमें शामिल किया। और मीणा जाति को शामिल किया तो इसका विरोध हुआ, परंतु जब तक मीणाओं को यह एहसास नहीं हुआ कि इस लिस्ट में शामिल करने का अर्थ क्या होता है और प्रभाव क्या पड़ता है, तब तक तो कोई विरोध हुआ नहीं। पर मूल कारण यही था। तो मीणा आंदोलन का मुख्य कारण क्या? 1924 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इसके द्वारा अपराधी जाति घोषित करना। इसके अनुसार एक नियम बनाया गया था कि प्रत्येक मीणा व्यक्ति को, 14 वर्ष और उससे ऊपर के प्रत्येक मीणा व्यक्ति को निकटवर्ती थाने में या पुलिस चौकी में हाजिरी देना पड़ता था कि भाई आज मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया। अब घर में 14 वर्ष और उससे बड़े के तो महिला पुरुष बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, अब सबके लिए काम हो गया रोज का रोज कि हाजिरी देना पड़े। तो दैनिक हाजिरी की जो अनिवार्यता है ये बड़ी पीड़ादायक थी, और लिस्ट में शामिल करने से कोई मतलब नहीं हुआ, ना आंदोलन शुरू हुआ। पर जब से ये कठोरता से लागू किया गया, और जयपुर रियासत में इसे 1930 से कठोरता से लागू किया, इस अधिनियम को कठोरता से लागू कब से किया गया? 1930 लागू किया गया, तब भी 1933 तक आ गया, और फिर जाके एक मीणा सुधार समिति नाम का एक संगठन बना। पर मीणा सुधार समिति ने भी शायद कोई सुधार नहीं किया। माने सुधार का मतलब कोई ऐसा कोई शानदार आंदोलन नहीं किया, या लोग शानदार जुटे नहीं होंगे इनके साथ, या कोई ऐसा विजय सिंह पथिक सदृश कोई रणनीतिकार व्यक्ति नहीं जुटा। वक्त खूब लग गया, 11 साल बीत गए, 1944 आ गया। मीणाओं के ऊपर ये कलंक वास्तव में केवल मीणा जाति पर कलंक नहीं था, ये संपूर्ण मानव जाति पर ही कलंक था कि किसी एक वर्ग को अपराधी घोषित कर दिया जाए पूरा का पूरा, ये ठीक नहीं है। तो 1944 में सीकर में एक स्थान है नीम का थाना, आजकल क्या है, तहसील है। तो नीम का थाना में एक विशाल मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई गृहस्थ व्यक्ति नहीं था, संत व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? मुनि मगन सागर। इन्होंने बीड़ा उठाया, हजारों मीणों को इकट्ठा किया, और तब एक संगठन बना, और संगठन का नाम था जयपुर राज्य क्षत्रिय मीणा सुधार समिति। ऊपर वाले में सुधार समिति नहीं है, मीणा क्षत्रिय सभा है, और यह जयपुर राज्य क्षत्रिय मीणा सुधार समिति है। इस संगठन की स्थापना हुई 1944 में, और इसका अध्यक्ष बनाया गया पंडित बंशीधर शर्मा को। किसको भाई? पंडित बंशीधर शर्मा इसके अध्यक्ष बने, और पंडित जी को जिम्मेदारी दी गई भी ये कलंक हटवाने की जिम्मेदारी आपकी। बंशीधर शर्मा को अवसर भी मिला। अवसर तब मिला जब अखिल भारतीय, मैंने 3 संगठन आपको लिखवाए थे, याद है? अखिल भारतीय, एक तो राजस्थान सेवा, एक राजपुताना, और तीसरा क्या लिखवाया था? अखिल भारतीय, देसी राज्य, लोक परिषद। 435 सदस्य पूरे भारत के इकट्ठे हुए उदयपुर के सालोटिया मैदान में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। कहाँ हुए? उदयपुर में। मैदान कौन सा? सालोटिया मैदान।
सालोटिया मैदान, व्यक्ति 435 पूरे भारत के, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले थे पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत बढ़िया अवसर था जब मीणाओं की समस्या को पूरे देश से आए इन नेताओं के समक्ष रखा जाए, और इसको ढंग से रखने वाले व्यक्ति थे पंडित बंशीधर शर्मा, उन्होंने इस कार्यक्रम में रखा। और इसी कार्यक्रम में आप देखिए कि कश्मीर के शेख अब्दुल्ला भी आए थे, तभी तो सागरमल गोपा पर हुए अत्याचार की सूचना शेख अब्दुल्ला को यहाँ हुई थी। मैंने कहा था ना कि जय नारायण व्यास और शेख अब्दुल्ला को सागरमल गोपा ने सूचना दी थी, वो यहीं पर मिली थी। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इस संगठन का कार्यक्रम था ये सालोटिया मैदान में, और अध्यक्षता करने वाले थे पंडित नेहरू। तो इस पर जब विषय रखा तो ठक्कर बप्पा और पंडित नेहरू, इन दोनों ने प्रयास किया, और इस प्रयास का परिणाम ये हुआ, ये जो अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 1945 में, 31 दिसंबर 1945 से शुरू हुआ था, 3-4 दिन चला था ये। तो फिर प्रयास किया तो 1946 में दैनिक हाजिरी से मुक्ति दे दी गई, यानी पंडित नेहरू ठक्कर बप्पा इन लोगों के प्रयास से दैनिक हाजिरी से भी लोगों को मुक्ति दे दी गई, एकदम राहत मिली। नहीं तो आप सोचिए रोज का एक काम ये और हो गया, जितने काम होते हैं काम जुड़ गया कि सुबह उठ के चलो पहले तो अटेंडेंस लगा के आओ, अब वहाँ पर गए तो वहाँ पर पूरी लाइन लगी है, कब नंबर आए, आधा दिन तो उसी में गुजर जाएगा, तो ये एक पीड़ा की बात थी। तो 1946 में ये जो हाजिरी से मुक्ति मिलते ही आंदोलन समाप्त हुआ, पर वास्तव में ये जन जागरण चलता रहा, और इस बहाने जागृत हुए मीणा समाज, और एजुकेशन में, शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए अलग अलग स्तर पर लोगों ने अपने काम किए। 1952 में भारत की आज़ादी के बाद वो जो अधिनियम है इस अधिनियम को ही रद्द कर दिया गया। तो उस अधिनियम को जो 1924 में बना था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, ऐसी ट्राइब्स, ऐसी जनजातियाँ, उनकी लिस्ट बनाई, तो उस लिस्ट को जो 1924 को रद्द कब किया गया, 1952 में। आप देखिए कि 1952 ही वो वर्ष है जिस समय भारत में जागीरदारी प्रथा को बंद कर दिया गया था। कौन सी प्रथा? जागीरदारी और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, ये भी कब पारित हुआ, 1952 में। तो 1952 में इन दो समस्याओं से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार ये मीणा आंदोलन कंप्लीट हुआ, आपका संपन्न हुआ, काम अपना पूरा कर दिया मीणा आंदोलन ने, और उसके बाद से मीणा समाज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार एजुकेशन में आगे बढ़ते रहे, और आज आप देख सकते हैं कि उसका एक सुखद परिणाम भी है। लिखिए, मीणा आंदोलन का मुख्य कारण,